नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में भगवान द्वारा बनाए गए कई रहस्य हैं जिसे अभी भी इंसान खोज नहीं पाया, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर या झरने, ऐसे बहुत कुछ। लेकिन कुछ रहस्यों से इंसानों ने पर्दा हटाया भी है, तो आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के तौर पर जाना जाता है। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत जिक्र है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने ना की। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6638 मीटर, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उससे कहीं ज्यादा 8848 मीटर। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसीलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है। कुछ लोगों का यही कहना है कि सिर्फ वही इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया। कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किधर जाए, और पर्वत पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ऐसे में बिना दिशा का ज्ञान चढ़ाई करना मौत के मुंह में जाने के समान। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वो नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वो एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र भी है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगी हुई, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि कैलाश पर्वत पर आखिरी बार साल 2001 में पर्वतारोहियों की एक टीम ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आई। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता और इसके क्या कारण हैं।